सज धज कर जिस दिन मौत की सहजा दियाएगी, सहजा दियाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, अरे तू छोटा कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे। हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत छोटे हैं और इस तन का पल का भी विश्वास नहीं है, अरमान बहुत बड़े हैं। और माटी का तू सोने के सामान है तेरे, हम तो मिट्टी के हैं, सामान सब सोने के हैं, हम मिट्टी के ही तो हैं। मरने के बाद में शरीर को क्या बोला जाता है, मिट्टी बोलते हो ना। अरे मिट्टी से हाथ लगाओगे तो घर पे आके स्नान करोगे तब पवित्र होते हैं, तो हम तो मिट्टी के हैं। और मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, ये परिवार ये घर एक सपने की तरह से है। और याद रखना, जब व्यक्ति घर को दुनिया को छोड़ के चला जाता है उसके बाद में मरने के बाद, हमारे जीवन की सच्चाई क्या है, मरने के बाद अगर घर वालों के सपनों में भी आ गए ना, सपनों की बात हो रही है, मरने के बाद में घर वालों के सपनों में भी आने की कोशिश की, तो तुम्हारे घर के ही लोग भागते भागते भगत के पास जाएंगे, है ना? क्या कहेंगे, जाकर कोई ऐसा उपाय कर दो जो सपनों में नहीं आना चाहिए। लोग तुमको सपनों में भी आना पसंद नहीं करेंगे। यही तो है जीवन की सच्चाई। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये नाते हैं, सांस टूट जाएगी तो रिश्ता भी टूट जाएगा। तो अंत समय आता है तो कितने भी उपाय कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन आज तक उससे न कोई बचा है और न कोई बच सकता है। हर घड़ी पर हर घड़ी इतनी घड़ी अब ना रही, हर घड़ी पर हर घड़ी हाथों से निकली जा रही, जो घड़ी हाथों पे बंधी वो न रहने पाएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी तो कितनी भी चाबी भरते रहना पर वो न रहने पाएगी, कितनी भी चाबी भरना पर वो न रहने पाएगी। इसी तरह से कल आपने सुना कंस ने कितने उपाय किए, हथकड़ी लगाई, बेड़ियां लगाई, ताले लगाए, पहरेदार, हजार सुरक्षाएं कंस ने की। और जब काल आया तो उसको पता चला सोता ही रहा, पूरी मथुरा सोती रही, कंस सोता रहा। इतनी हजार सुरक्षाएं करने के बाद, हजार पाबंदियां करने के बाद भी उसका काल निकल गया, उसको पता भी नहीं चला, है ना? तो जीवन में की सच्चाई यही है, जब अंत आएगा हमारा तो हमको पता भी नहीं चलेगा। और एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है, एक भजन के माध्यम से आइए और ताली की सेवा करते हुए आप सभी मेरे साथ में मिल करके गाना। इसी भाव में कहा है कि चाहे कितने भी पहरे लगवा लेना, चाहे कितनी भी सुरक्षाएं कर लेना, जब अंत समय आएगा तो कोई बच नहीं पाएगा। और इसीलिए कवि का बड़ा सुंदर भाव और कवि कह रहा है, अरे पहरा कितने लग वही एक दिन हो महल में चोरी
महल में चोरी होगी तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा कौन से महल की बात हो रही है माता? कौन सा महल? वो घर वाला मत समझ लेना, वो घर का महल नहीं। और जब घर के महल में भी चोरी होती है फिर भी तुम सोते रहते हो चोर चोरी कर ले जाते है ना, जब घर